हेलो एवरीवन, आज मैं संगीता आपको होम साइंस लैब असिस्टेंट का कोर्स कराने के लिए कहा था, तो इसके लिए मैं अपनी पहली वीडियो है वो आप लोगों के लेके आई हूँ। और ये जो वीडियो है वो होम मैनेजमेंट का एक टॉपिक लेके मैं आप लोगों को आज स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसका टॉपिक का जो नाम है वो है आपका पारिवारिक आय। मैंने अपना ये फर्स्ट टॉपिक है ये आपके लिए चुना है पारिवारिक आय। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, आपके जो सिलेबस में दे रखा है इस पारिवारिक आय का अर्थ क्या है, पहले आपको अर्थ देखना है, फिर आपको इसके पारिवारिक आय के प्रकार देखने हैं और फिर पारिवारिक आय के स्रोतों के बारे में आपको जानकारी लेनी है। तीन टॉपिक तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, एक टॉपिक और है आपका पारिवारिक आय के साधन क्या क्या है। तो इन सारे टॉपिकों के बारे में मैं आपको एक एक करके जानकारी दूंगी। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है पारिवारिक आय। इसका अर्थ आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे ही नाम से पता चल रहा है पारिवारिक आय यानी एक परिवार की आय क्या है उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से जानना है। तो एक परिवार को जितने भी उस परिवार के अंदर व्यक्ति होते हैं, उन परिवार के अंदर जितने भी साधनों से, वस्तुओं से, सेवाओं से हम जो आय को प्राप्त कर सकते हैं वो सारी आय जोड़कर क्या बनती है, हमारी पारिवारिक आय बनती है। उसको हम कह सकते हैं वस्तु और सेवाओं से। एक निश्चित समय भी आप इसके अंदर एक बात का ध्यान रखना, ये निश्चित समय की बात करती है, निश्चित समय यानी एक निश्चित समय। ये निश्चित समय आपका एक दिन भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है, एक वर्ष भी हो सकता है। तो ये एक निश्चित समय में एक परिवार को वस्तु और सेवाओं के रूप में जो प्राप्त होने वाली आय होती है वो आय हमारी क्या कहलाती है, पारिवारिक आय कहलाती है। इस पारिवारिक आय की अलग अलग परिभाषाएं हैं वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी है, जिसमें से ये जितने भी टॉपिक आप पढ़ोगे होम मैनेजमेंट से संबंधित उसमें निकल और डार्सी और ग्रास और कैंडल का नाम है वो मुख्य रूप से आता है। और इसमें जो पहला टॉपिक है वो मैंने इसकी परिभाषा डिस्कस करने के लिए निकल और डार्सी का नाम लिया है। निकल और डार्सी ने पारिवारिक आय की परिभाषा को मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का प्रवाह बताया गया है। जो पारिवारिक हमारी आय है वो क्या है, मुद्रा है, वस्तुओं के रूप में, सेवाओं के रूप में तथा इन सब से जो हमें संतोष का आभास होता है उन सब का प्रवाह क्या कहा है, पारिवारिक आय बताई है। जो परिवार के अधिकारों में उसकी आवश्यकताओं के निर्वाह हेतु आता है। आवश्यकताएं जो भी हम एक परिवार की आवश्यकताएं बताते हैं रोटी, कपड़ा और मकान के रूप में, उन सब आवश्यकताओं को निर्वाह करने हेतु जो हमारी पारिवारिक आय होती है उसके रूप में इन्होंने, निकल और डार्सी ने अपनी परिभाषा को स्पष्ट किया है। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारे पारिवारिक आय के प्रकार। पारिवारिक आय के प्रकारों को हमने तीन रूपों के अंदर, पारिवारिक आय के जो प्रकार है एक को हमने कहा है मौद्रिक आय, एक को हम कह सकते हैं अमौद्रिक या इसका दूसरा नाम है वास्तविक आय, ये दोनों ही नाम से आपको मिल सकती है। और तीसरी हमारी जो आय है वो है हमारी मानसिक आय। तो ये हमारी नंबर वन है, ये हमारी नंबर टू है। एक एक को हम करके देखेंगे और इसके अंदर जो इन जैसे परिभाषा के रूप में प्रश्न पूछा जाता है इसमें पूरे पेपर के अंदर आपको तीन से चार है वो परिभाषा के रूप में प्रश्न मिलने वाले हैं। किसी भी परिभाषा को दे दिया जाता है और फिर आपसे पूछा जाता है कि ये परिभाषा किसने दी है, तो इस आधार पर हम इन परिभाषाओं को कि कौन से वैज्ञानिक ने किस तरीके से ये परिभाषाएं दी हैं उनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। इसमें जो पहला जो आय का प्रकार बताया गया है वो है हमारा मौद्रिक आय। नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है मौद्रिक आय यानी जो मुद्रा के रूप में, वह आय जो एक मुद्रा के रूप में एक परिवार को मिलती है वो उस परिवार की क्या कहलाती है, मौद्रिक आय कहलाती है। तो ये एक परिवार को एक निश्चित समय में जो मुद्रा के रूप में मिलने वाली आय होती है
वो आय ही हमारी क्या कहलाती है, मौद्रिक आय कहलाती है। तो इसकी परिभाषा को आपको रटने की बजाय इसको समझना होगा कि ये मौद्रिक आय क्या है, मुद्रा के रूप में मिलने वाली आय। अब वो मुद्रा के रूप में कैसे मिलेगी, एक निश्चित समय में मिलेगी और एक परिवार को मिलेगी। तो आपको इसकी परिभाषा देते समय इसी तरीके से स्पष्ट करना है कि एक परिवार को एक निश्चित समय में मुद्रा के रूप में मिलने वाली आय को हम क्या कहेंगे, मौद्रिक आय कहेंगे। तो इनमें जैसे उदाहरण भी पूछा जाता है कि वेतन से मिलने वाली जो आय होती है वो कौन सी आय होती है। तो आपको पता है ना कि वेतन जो हमें मिलता है मासिक रूप में, वो वेतन हमें किस में मिलता है, मुद्रा के रूप में मिलता है। तो उसका ये उदाहरण होगा। इसी तरीके से आप जैसे किराया है तो वो भी आपको मुद्रा के रूप में मिलता है, आपको लगान है वो भी क्या है, मुद्रा के रूप में मिलेगा। इसके अलावा जैसे पेंशन है, ग्रेच्युटी है और रॉयल्टी है, ये सब क्या है, हमें मुद्रा के रूप में मिलने वाली आय होती है। इसलिए इन सबको आय को हम क्या कहेंगे, मौद्रिक आय कहेंगे। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा अमौद्रिक आय, अमौद्रिक या वास्तविक आय, दोनों ही नाम से इसको स्पष्ट कर सकते हैं। अब इसमें आपको दो प्रकार दिखाई दे रहे हैं, इस अमौद्रिक आय के दो प्रकार हैं। एक को तो हम क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष आय, प्रत्यक्ष आय, और दूसरे को हम क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष आय। तो मौद्रिक या वास्तविक आय में हम इन दोनों प्रकारों को देखते हुए इसकी परिभाषा को स्पष्ट करते हैं। जैसे इसमें मुद्रा के रूप में जो मिलने वाली आय थी वो हमारी क्या कहलाती है, मौद्रिक आय। या अब अमौद्रिक आय क्या होगी, जो मुद्रा के रूप में भी मिल रही हो और जो वस्तु और सेवाओं के रूप में भी मिल रही हो। तो दोनों आय को मिक्स करके हम इसके अंदर देखते हैं। तो इसकी परिभाषाएँ आप इसी तरीके से दोगे कि एक निश्चित समय में मुद्रा और वस्तु या सेवाओं के रूप में जो आय प्राप्त होती है उसी आय को हम क्या कहेंगे, वास्तविक आय का नाम देंगे। अब इन दोनों में आपको अंतर करना है तो किस चीज़ का है कि इसमें हमने वस्तु और सेवाओं को भी रखा है और इसमें हमने खाली क्या रखा है, मुद्रा को रखा है। तो दोनों में जो अंतर है हमारा, वो हमारा दोनों को इन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय के माध्यम से हम इनको स्पष्ट कर सकते हैं। इसके ये दो प्रकार है, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय किसे कहेंगे, जो प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट मिलने वाली आय है, ऐसी आय जो मुद्रा के रूप में भी और सेवा के रूप में भी एक व्यक्ति को एक निश्चित समय में आय प्राप्त होती है, तो वो आय हमारी क्या कहलाती है, प्रत्यक्ष आय कहलाती है। अब जैसे आपको पूछ लिया जाता है क्वेश्चन के अंतर्गत कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय के प्रकार दिए हुए होते हैं और उसमें ये पूछ लेते हैं कि मौद्रिक आय या अमौद्रिक आय है वो कौन सी है, या वास्तविक आय है वो वास्तविक आय कौन सी आय है, इन दोनों में से आपको एक नाम मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, वास्तविक आय के अंदर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों आते हैं। जो क्वेश्चन आएगा वो एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा कि पारिवारिक आय के प्रकार कितने हैं, या ये तीनों नाम दिए हुए होंगे, पारिवारिक आय का प्रकार कौन सा नहीं है। तो इसी तरीके से ये घुमा फिरा के आपको ये स्टेप वाइज है, आपको इनका नाम, इनके प्रकार है वो आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखने हैं। तो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं, इनका नाम पूछ लिया जाता है कि एक निश्चित समय में मुद्रा के रूप में प्राप्त होने वाली आय को आप क्या कहोगे, या वेतन से प्राप्त होने वाली आय है वो क्या होगी, या ऐसे कह दिया जाएगा एक MLA को या एक MP को या एक IAS अधिकारी को जो आय प्राप्त होती है वो इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आती है, प्रत्यक्ष आय में आती है या अप्रत्यक्ष आय में आती है। तो आपको इसका अर्थ पता होगा तभी आप ये उदाहरणों से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो कि ये आय हमारी होती क्या है। तो प्रत्यक्ष आय में मैंने बताया है आपको, जो वस्तु के रूप में भी मिल रही है, सेवा के रूप में भी मिल रही है और मुद्रा के रूप में भी मिल रही है। तो आप सभी जानते हो कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं
उनको एक तो मुद्रा के रूप में उनका वेतन मिलता ही मिलता है, उसके साथ उनको जैसे आने जाने का ट्रांसफ़र खर्च है, उनको घर है वो फ्री मिलता है, या मोबाइल खर्चा फ्री मिलता है, किसी को पेट्रोल है उसका खर्चा मिलता है। तो ये क्या है, उनकी आय के साथ ये मुद्रा के रूप में मिलने वाली सुविधाएं होती है, सेवाएं होती है, जो कि किसको मिलती है, एक अधिकारी को या एक कार्य करने वाले गवर्नमेंट व्यक्ति को ये जो प्रत्यक्ष आय है हमारी प्राप्त होती है। तो ये सब क्या है, प्रत्यक्ष आय है जो वस्तु के रूप में भी मिल रही है और सेवाओं के रूप में, और इस व्यक्ति को वो मुद्रा के रूप में वो प्राप्त हो रही है। इसी का ही ये दूसरा रूप है अप्रत्यक्ष आय। अप्रत्यक्ष आय के अंदर क्या होता है, होती मुद्रा और सेवाएं होती हैं, लेकिन ये मुद्रा और सेवाएं हैं वो हमें डायरेक्ट फ्री नहीं मिलते हैं, इनको हमें फ्री बनाना पड़ता है, और वो हम अपनी बुद्धि का, क्षमता का, कौशल का, इन सब का प्रयोग करके हम इस आय को, अप्रत्यक्ष आय को हासिल करते हैं। जैसे एक गृहिणी होती है, वो गृहिणी क्या करेगी, अपने कुछ अपनी बुद्धि कौशल का प्रयोग करते हुए वो कम से कम आय व्यय करते हुए क्या करेगी, अधिक से अधिक वस्तु और सेवाओं को प्राप्त करने का प्रयास करेगी। तो उस तरीके की जो आय होती है वो हमारी क्या कहलाती है, अप्रत्यक्ष आय कहलाती है। तो इन दोनों में अंतर इतना ही होता है कि इसमें जो सेवाओं के रूप में आपको फ्री मिला है वो यहाँ पर सेवाएं फ्री नहीं होती है, बल्कि कम से कम व्यय करते हुए हमें कम आय के अंदर अपने अधिकतम सुविधाओं को प्राप्त करना होता है। तो वो आय हमारी क्या आ जाती है, अप्रत्यक्ष आय कहलाती है। तीसरा जो हमारा आय का प्रकार है वो है हमारा मानसिक आय। ये भी बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है होम साइंस के जितने भी पेपर होते हैं उसके अंदर, कि मानसिक आय में उदाहरण दे दिया जाता है, या इस तरीके से कि मानसिक संतोष का परिणाम है वो कौन सी आय होती है, तो वो आय कहलाती है मानसिक आय। जो एक व्यक्ति को, उसको जितना ज़्यादा मानसिक संतोष प्राप्त होगा उसके बदले में उसको जो भुगतान हो रहा है वो आय हमारी क्या कहलाती है, मानसिक आय कहलाती है। इसका इस तरीके से उदाहरण ले सकते हो आप, जैसे आपने एक किताब खरीदी है, किताब खरीदी है और किताब के कितने रुपए हैं, 50 रुपए हैं। अब इस किताब को पढ़ के आपने एग्ज़ाम दिया है और उसमें आपको 90% है वो मार्क्स मिले हैं, तो आपको यानी मानसिक संतोष की प्राप्ति हुई है, तो ये आय आपकी क्या कहलाएगी, मानसिक संतोष, मानसिक आय कहलाएगी, जो मानसिक संतोष के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। तो इसको आप उदाहरण के माध्यम से ही स्पष्ट कर सकते हो कि वो मानसिक संतोष है आपको किस तरीके से प्राप्त हो रहा है। ये हमारे पारिवारिक आय के 3 प्रकार हो गए हैं, और इन प्रकारों में 2 हमारे ये प्रकार हो गए हैं। तो इस तरीके से जो हमारी पारिवारिक आय होती है इन 5 प्रकारों के अंतर्गत ही ये विभाजित होती है। इसके बाद जो प्रश्न आता है वो आता है आपका पारिवारिक आय के स्रोत क्या है। ये हमारे पारिवारिक आय के प्रकार हो गए हैं। अब हम पारिवारिक आय के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार आता है वेतन। वेतन क्या है, सभी आप जानते हो कि जो पारिवारिक आय होती है वो सब हमें एक निश्चित समय में प्राप्त होने वाली आय होती है। एक निश्चित समय में मुद्रा के रूप में जो आय प्राप्त होती है वो आय हमारी क्या कहलाती है, पारिवारिक आय कहलाती है। और उसी पारिवारिक आय का पहला स्रोत क्या है, हमारा वेतन है। और ये वेतन किसका परिणाम है, मानसिक योग्यता का परिणाम है, ठीक है। क्योंकि हमने जितना भी अपना मानसिक योग्यता का प्रयोग करके, जैसे हम नौकरी कर रहे हैं उसमें मानसिक कार्य कर रहे हैं, तो उसी के एवज में ही हमें ये वेतन प्राप्त हो रहा है। वेतन हमेशा मानसिक योग्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ही, मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को ही मिलता है। तो इसमें क्वेश्चन है, वो पूछा गया है कि वेतन किसका परिणाम है, तो वेतन क्या है, मानसिक योग्यता का परिणाम होता है। और दूसरा जो इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है, मजदूरी। अब मजदूरी आपको पता है कि जो
किसी भी कैटेगरी का, जैसे रिक्शा चालक भी आ जाता है, खान में काम करने वाले व्यक्ति आ जाते हैं, खेत में काम करने वाले व्यक्ति आ जाते हैं, ये सब मजदूरी का कार्य करते हैं। मजदूरी शारीरिक कार्य का परिणाम है। इसके अंदर मजदूरी उन्हीं व्यक्तियों को मिलती है जो कि शारीरिक रूप से कार्यशील होते हैं। शारीरिक कार्यशीलता का परिणाम क्या कहलाती है? मजदूरी होती है। ये मजदूरी दैनिक भी हो सकती है, साप्ताहिक भी हो सकती है और मासिक भी हो सकती है। तो इसी के आधार पर इस मजदूरी को दो भागों के अंदर हमने विभाजित किया है। पहला है कार्य के अनुसार मजदूरी और दूसरा है हमारा समय के अनुसार मजदूरी। इनमें जैसे कार्य के अनुसार मजदूरी दे रखी है, तो आपको पता है जितना आप जितने घंटे कार्य करते हो उसी कार्य के आधार पर आपको क्या कहा जाता है? कार्य के अनुसार मजदूरी प्राप्त करना। एक होता है समय के अनुसार, आपने जैसे कार्य के अनुसार आप एक दिन का कार्य करते हो, या किसी के यहाँ दो दिन का कार्य करते हो, या एक हफ्ते का करते हो, या एक महीने का भी हो सकता है। तो वो आपको कार्य के अनुसार आपने कार्य कितना किया है और उसको कितने समय में किया है, उसी के आधार पर कार्य के अनुसार मजदूरी हो जाती है। दूसरा है समय के अनुसार कि आप एक घंटे कार्य करोगे तो आपको इतना वेतन मिलेगा, आप चार घंटे कार्य करोगे तो आपको इतना वेतन मिलेगा। तो ये समय के अनुसार हमारी मजदूरी हो जाती है। तो हमारे आय का दो टॉपिक हमारे हो गए हैं, एक हमारा वेतन है, एक हमारी मजदूरी है। तीसरा हमारा है टॉपिक है लगान और किराया। ये भी आपको सबको पता है कि लगान किसका मिलता है, किराया किसको मिलता है, दोनों में अंतर है। किराया जैसे आप मकान का किराया ले सकते हो, या किसी दुकान है उसको आप किराए पे दे सकते हो, और उसका आपको एक मासिक रूप में आपको वेतन दोनों का प्राप्त होता है। तो ये भी जो मिलने वाली आय होती है वो कौन सी आ जाती है? हमारी मौद्रिक आय हो जाती है किराए के रूप में। और लगान पूछा जाता है कि लगान किसका मिलता है। सबने अपने आप लोगों ने लगान पिक्चर देखी होगी, तो उसमें आपको सबको पता है कि जो खेत है, ज़मीन है हमारी, उसके ऊपर हम लगान मिलता है। जो ज़मीन का कार्य करता है, यानी कृषि से संबंधित जो कार्य ज़मीन के ऊपर किया जाता है, उस भूमि का क्या होता है? लगान होता है। तो ये भी हमारा क्या है, इन दोनों में अंतर आ जाता है, लगान और किराया। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो इसी तरीके से बनता है कि लगान किसका प्रतिफल है, या किराया है वो किसके प्रतिफल के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो हमारे ये आय के स्रोत में हमारे तीन टॉपिक है, आय के स्रोत में ये तीन कंप्लीट हो गए हैं। चौथा हमारा आता है ब्याज। ब्याज क्या होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज, यानी आपने जो अपनी पूंजी को किसी को किराए पर उधार दिया है, तो उस किराए के रूप में आपको क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। तो ब्याज आप निर्धारित करते हो कि आपको 1% ब्याज चाहिए, 2% चाहिए, 3% चाहिए, 4% चाहिए, तो उसी के आधार पर आपको क्या मिलता है? आपकी पूंजी यानी परिसंपत्ति के ऊपर आपको ब्याज दिया जाता है। पांचवा आपका टॉपिक है लाभ या लाभांश। ये क्या होता है? एक व्यवसाय को प्राप्त होने वाला प्रतिफल होता है। व्यवसाय अपने किसी भी व्यवसाय को स्थापित करता है और उसके अंदर उसको लाभ प्राप्त होने की प्रवृत्ति देखी जाती है। जो थोक व्यापारी होते हैं या खुदरा व्यापारी होते हैं, इन सबको उनमें कार्य जो उनका शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है और पूंजी के रूप में भी होता है, तो उन सब के रूप में जो वो कार्य के अकॉर्डिंग अपनाता है तो वो उनका लाभांश कहलाता है। बोनस आता है। बोनस किसका मिलता है? तो आप लोगों को पता है जो शारीरिक कार्य करने वाले और मानसिक कार्य करने वाले, किसी मिल मजदूर को भी मिलता है और मिल के अंदर कार्य करने वाले हर व्यक्ति को, उस मिल के अंदर जो मुनाफा होता है उसी मुनाफे को क्या है, एक किसी भी फेस्टिवल के रूप में, जैसे दिवाली हो गया, होली हो गया, तो उस ओकेज़न के रूप में अपने वर्करों को एक महीने की सैलरी के रूप में या उससे कम या ज़्यादा उन व्यक्तियों को बोनस के रूप में एक धनराशि प्राप्त होती है, जो साल में एक या दो बार व्यक्तियों को दी जाती है। तो
तो ये जो राशि होती है वो हमारी क्या कहलाती है, बोनस के रूप में प्राप्त होने वाली राशि होती है। तीसरा हमारा, सातवां हमारा इसमें टॉपिक आ जाता है रॉयल्टी। ये रॉयल्टी के ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न है, कई बार पूछे जा चुके हैं रॉयल्टी क्या होती है। तो रॉयल्टी के बारे में आपको पता हो, रॉयल्टी किसको मिलती है ये भी पूछा जाता है। तो रॉयल्टी एक लेखक को मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। रॉयल्टी किसको मिलती है, एक लेखक को मिलती है। एक लेखक अपनी एक किताब लिखता है और फिर उसको पब्लिश करवाता है, तो पब्लिश करवाने के ऊपर उस लेखक और उस पब्लिशर के बीच में एक अमाउंट है वो तय होता है, और उसी को ही रॉयल्टी का नाम दिया गया है। वो 10% भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, या 30 भी हो सकता है, जो दोनों में डिसाइड होता है उसी के एवज के अनुसार ये हमारी रॉयल्टी है वो फिक्स होती है। फिर आता है हमारा पेंशन। पेंशन क्या है, बहुत सारे बच्चे इसको अच्छे तरीके से जानते भी होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसके घर में होगा वो सब इस पेंशन के नाम को जानते होंगे कि पेंशन क्या होती है। एक व्यक्ति को उसके कार्य करने के बाद जब वो रिटायर हो जाता है तो वो पेंशन है, उसको हर महीने प्राप्त होने वाली संपत्ति पेंशन कहलाती है, जो उसकी आय का 50% के करीब है वो पेंशन राशि होती है। और 60 वर्ष के बाद जब व्यक्ति रिटायर होता है तो उन व्यक्तियों को हर माह पेंशन के रूप में धनराशि प्राप्त होती है। अब ये ग्रेचुएटी और पेंशन के अंदर अंतर पूछा जाता है कई बार, क्या होता है। तो पेंशन तो क्या होता है, हर महीने हर माह मिलने वाली धनराशि पेंशन कहलाती है, जबकि रॉयल्टी क्या होती है, एक मुस्त राशि होती है। मुस्त राशि होती है यानी एक साथ मिलने वाली राशि होती है। जब व्यक्ति रिटायर होता है तो उस रिटायरमेंट के साथ ही इनको एक साथ मिलने वाली राशि होती है, वो आपकी क्या कहलाती है, ग्रेचुएटी कहलाती है। तो इन दोनों में अंतर यही है कि पेंशन तो हर माह मिलता है और ग्रेचुएटी होती है वो जब व्यक्ति रिटायर होता है तो उसको एक साथ मिलने वाली राशि होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, ग्रेचुएटी कहलाती है। अब ये उपहार आ जाता है। उपहार का आप मतलब सभी जानते हो कि जो जैसे होली दिवाली या बर्थडे या कोई एनिवर्सरी किसी भी ओकेजन के ऊपर आपको उपहार के रूप में धनराशि प्राप्त होती है। तो ये धनराशि वस्तु के रूप में भी प्राप्त हो सकती है और रुपए के रूप में भी प्राप्त हो सकती है, किसी भी रूप में है वो प्राप्त होने वाली धनराशि होती है। लॉटरी का मतलब भी आप जानते हो अच्छे से, लॉटरी क्या होती है, तो लॉटरी भी हमारी इसी तरीके की ही एक धनराशि होती है जो अनिश्चित होती है और अचानक व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी करने का साधन होती है। तो लॉटरी का मतलब इतना ही है कि आपने कोई टिकट खरीदा है, हो सकता है आपके किस्मत में लिखी हो, तो कभी भी ये लॉटरी है वो खुल सकती है और आपकी पारिवारिक आय के अंदर क्या होगी, इसके साथ ही वृद्धि हो जाएगी। दूसरा हमारा आ जाता है भत्ता। भत्ते के रूप में भी आपको आय प्राप्त होती है। ये भत्ता बेरोजगारी भत्ता हो सकता है या इससे संबंधित किसी भी तरीके का भत्ता है, वो व्यक्ति को समय समय पर सरकार के द्वारा दिए जाने वाली राशि होती है जो भत्ते के नाम से जानी जाती है। या इसके अलावा जो हमारा एक पॉइंट और है, बीमारी एवं दुर्घटना से प्राप्त राशि। यानी कोई व्यक्ति जैसे कहीं पर भी वो काम कर रहा हो या बीमार हो गया हो या कोई दुर्घटना हो गई हो, तो उन सबसे मिलने वाली उस कंपनी के द्वारा या जहाँ वो व्यक्ति कार्य कर रहा है उस व्यक्ति के द्वारा दी जाने वाली जो राशि होती है वो हमारी क्या होती है, एक पारिवारिक आय का हिस्सा होती है। तो इसी तरीके से मैंने आपको ये तीन टॉपिक है पारिवारिक आय के ऊपर आपको समझाने का प्रयास किया है। पारिवारिक आय का अर्थ क्या है और निकल और डार्सी ने इसकी परिभाषा क्या दी है और पारिवारिक आय के प्रकार क्या है, ये पांचों परिवार मौद्रिक आय, अमौद्रिक आय, मानसिक आय, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय, और इसके साथ ही मैंने आपको ये पारिवारिक आय के 13 स्रोत हैं इनके बारे में एक्सप्लेन किया है। तो आप इतना अगर इसको ध्यान से देख लेते हो, याद कर लेते हो, तो आपको कम से कम एक या दो क्वेश्चन है
क्योंकि टॉपिक आपके सिलेबस में 19 ही दे रखे हैं, तो आप एक टॉपिक को अगर अच्छे तरीके से याद करते हो तो जो 100 क्वेश्चन आएंगे तो ये मान लो कि एक टॉपिक से आपके क्वेश्चन है वो 5 से 6 टॉपिक है वो क्वेश्चन है वो आपको इसके अंदर मिल सकते हैं। इसमें उदाहरणों के माध्यम से प्रश्न है वो ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर मेरा वीडियो आपको ये समझ में आया हो या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, मैं आपको इसका रिप्लाई करूँगी और आपको बताने का प्रयास करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि मैं जैसे ही कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल सके। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।